नमस्कार। आज इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। जैसा कि आपने देखा, देश में इलेक्शन हो चुके हैं। जिस राज्य में जिसकी सरकार बननी थी वो सरकार भी बन गई। जब भी देश में इलेक्शन होते हैं तो सरकार, जो सेंटर में सरकार होती है या फिर जो रेस्पेक्टिव राज्य में सरकार आपस में कॉम्पिटिशन में है, वो ये अपने काम गिनवाती हैं कि भाई हमने रोटी कपड़ा मकान पर क्या काम किया। तो अगर बात खाने की हो या अन्न की हो, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने इसको इलेक्शन से पहले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो इससे क्या होगा, सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन जो है लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ये तो उन तक मुहैया करवा दिया खाना। अब क्या है कि मकान पे सरकार ने क्या काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना को सरकार जब भी इलेक्शन होते हैं तो इस स्कीम की चर्चा रहती है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हो, अक्सर ये न्यूज़पेपर में डिस्कशन में भी रहती है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना ज़रूरी होता है। मैंने पहले लेक्चर में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को डिस्कस किया है और अब यहाँ पे ग्रामीण वाली योजना को डिस्कस करूँगी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण वाली, PMAYG, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, या ये कह लीजिए इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, या फिर जो इस स्कीम की पूरी कमान अपने हाथ में रखेगी वो कौन सा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब जब हमने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पढ़ा था वहाँ पे अलग थी, इसकी स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अलग है। वहाँ पे कौन था, वहाँ पे था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि रूरल की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या फिर नोडल एजेंसी। ये स्कीम कब लॉन्च होती है, कौन सी साल में लॉन्च होती है, 2016 में ये स्कीम लॉन्च होती है, ठीक एक साल बाद जब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन रिलीज हुई थी। कब इम्प्लीमेंट हुई थी, कौन सी ईयर में, वो वाली स्कीम हुई थी 2015 में, ये एक साल के बाद होती है। इसका मोटो यही है कि हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरियाज, मतलब सबको पक्के मकान की सुविधा दी जा सके, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका एम है या मोटो कह लीजिए। अब इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द एलिजिबल रूरल हाउसहोल्ड्स विद ओवरऑल टारगेट टू कंस्ट्रक्ट, कितने पक्का हाउसेस का टारगेट करना है, 2.95 करोड़ पक्के हाउसेस विद बेसिक एमिनिटीज, मतलब पक्के हाउस लोगों तक प्रोवाइड करने हैं। और कितने हाउसेस को टारगेट किया है, 2.95 करोड़ पक्के हाउसेस विद बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज जैसे कि जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन हो जाएगा, और जो गैस का कनेक्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन दे दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रिसिटी की भी एक स्कीम है उसके तहत बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। मतलब जो बेसिक एमिनिटीज़ है ना, तो वो उस हाउस में अवेलेबल कराई जाएंगी सरकार की तरफ से। अब जो इसके बेनिफिशरीज हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द हाउसिंग डेप्रिवेशन पैरामीटर प्रेस्क्राइब्ड अंडर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। अब जो इसमें बेनिफिशरीज हैं वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेप्रिवेशन, हाउसिंग डेप्रिवेशन पैरामीटर के तहत आइडेंटिफाई किए जाएंगे। मतलब है कि यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन का काम होगा वो ऑटो जनरेटेड लिस्ट करी जाएगी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर 2011 कर लेगा, उसको लिस्ट को जनरेट करेगा। किसके बेस्ड पे, हाउसिंग डेप्रिवेशन पैरामीटर के बेस्ड पे ये अपनी लिस्ट जारी करेगा। इस सेंसस से ऑटो जनरेटेड लिस्ट निकाली जाएगी, प्रियोरिटी लिस्ट हाउसहोल्ड्स ड्यू टू वेरिफिकेशन। अब इसका जो वेरिफिकेशन करेगी, उस लिस्ट का वेरिफिकेशन कौन करेगा, ग्राम सभा करेगी उस लिस्ट के वेरिफिकेशन को। जो लिस्ट कौन जनरेट करेगा, ये ऑटो जनरेट करेगा, प्रियोरिटी लिस्ट हाउसहोल्ड्स, उस लिस्ट को वेरीफाई कौन करेगी, ग्राम सभा। फिर एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट वेट लिस्ट, PWL।
परमानेंट वेट लिस्ट। अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम को भी 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। क्यों एक्सटेंड किया गया है भाई? इसकी भी जो टाइम लिमिट थी ना, वो 2016 से 2022 तक थी। एक्सटेंड इसलिए किया गया है क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, तो जितने भी टारगेट थे, जो चीज़ें थी, उसको एक तरीके का स्टॉपेज मिला, मतलब वो बीच में ही रुक गई। तो अब जो है सेंटर, जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्हें सेंटर से रिक्वेस्ट करी कि भाई हम अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाए और आप हमें अब थोड़ा सा एक्सटेंड टाइम दे दीजिए ताकि हम अपने टारगेट को, जो 2.95 करोड़ पक्का हाउसेज है, उसको कंप्लीट कर सकें भाई। अब इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये तो ठीक है, इतना तो जानना ज़रूरी नहीं है कि कितना एक्सटेंड कर दिया, क्या कर दिया। बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम कौन सी ईयर में लॉन्च हुई, कौन सी स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, इतना जान लीजिए। क्या मोटो है, क्या एम है, वो पता होना चाहिए। अब आवास प्लस सर्वे कंडक्ट हुआ, जो लोग स्कीम के अंडर नहीं आ पाए, मतलब कुछ भाई हर चीज़ में एरर होती है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मशीन ही एरर करे, इंसानों से भी एरर होती हैं भाई। कोई नहीं आ पाए होंगे परमानेंट वेट लिस्ट में, अब जो रह गए लोग, उनको आवास प्लस सर्वे के तहत उन लोगों को ढूंढा जाएगा और उनको भी पक्के हाउस की सुविधा सरकार की तरफ से दी जाएगी विद ऑल बेसिक एमिनिटीज। आवास प्लस सर्वे क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। अब ये तो हमने अब ये देख लिया कि हम, ये जो मैंने ये एक लाइन में ये बनाया है, इससे ये पता चलेगा कि बेनिफिशरीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्या प्रोसीजर है। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या जनरेट करेगा, मैंने यहाँ पे जो बताया वही सेम है, बस एक छोटी सी लाइन में बता रही हूँ। ऑटो जनरेटेड प्रियोरिटी लिस्ट हाउस होल्ड एक लिस्ट बनाएगा, वो किसके पास जाएगी, स्टेट और यूनियन टेरेटरीज के पास जाएगी। स्टेट और यूनियन टेरेटरी उसको ग्राम सभा के पास भेजेंगे वेरिफिकेशन के पास, वेरिफिकेशन होने के लिए ग्राम सभा एक परमानेंट वेट लिस्ट बनाएगी, जिसको वो फिर अगेन स्टेट और यूनियन टेरेटरीज को देगी। स्टेट और यूनियन टेरेटरीज उसको फिर आगे सेंशन कमेटी को देगी, फिर सेंशन कमेटी के कोई चेयरपर्सन होंगे, फिर वहाँ से वो लिस्ट आगे मिनिस्ट्री में जाएगी, फिर मिनिस्ट्री की अपनी एक सेंशन कमेटी होगी। तो ये एक पूरा साइकिल होगा। ये सब मैंने कहाँ से देखा, ये सब मैंने देखा PIB से। तो अगर आपको भी इस स्कीम की फर्दर जानकारी लेनी है और इस स्कीम को डिटेल में जानना है, तो आप PIB जो सरकार की साइट है वहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना .PIB करके आप इसके बारे में फर्दर और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। जितना मुझे लगा एग्जाम के परस्पेक्टिव से बताना ज़रूरी है वो मैं यहाँ बता चुकी हूँ, जैसे कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, ये स्कीम कब लॉन्च होती है, कौन से ईयर में लॉन्च हुई ये स्कीम, ठीक है, इसका मोटो क्या है, इसका एम क्या है, और इसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, ठीक है। ये इतना इसमें, इस स्कीम में इतना जानना ज़रूरी है। बहुत पहले लॉन्च हुई थी स्कीम, हो सकता है तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आ जाए, क्योंकि वहाँ पे अक्सर जो पुरानी स्कीम होती हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। मेरा इसको डिस्कशन करने का यही मतलब था कि अभी जैसे रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं तो ये स्कीम चर्चा में रही है और अक्सर आ जाती है, महीने में एक बार तो ये स्कीम जरूर आती है, दोनों प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक उसी तरह से जैसे कि जल जीवन मिशन स्कीम चर्चा में रहती है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत चर्चा में रहती है, तो ये क्या है, सब फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की। सरकार इनको जहाँ भी जाती है बताती है कि हमारी जो सरकार है वो रोटी कपड़ा मकान पे क्या काम कर रही है। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको ये पूरा डिटेल बता दिया है, मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।